आप लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो चुका है और आपको पता होगा कि 20 साल बाद दोबारा सत्ता में आया हुआ है तालिबान। और इसमें कौन सा किसे विभाग दिया गया है, अगर ये सूची देखते हैं आप लोग, तो आप लोगों जो लोग कहते थे कि तालिबान अब बदल चुका है, अब महिलाओं को भी ये कुछ हिस्सेदारी देगा या फिर आप देखिए आतंकवाद पर कंट्रोल करेगा, तो मुझे लगता है कि उनकी आशा पर एक खरा नहीं उतरा हुआ है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को कोई जगह नहीं मिली हुई है। इसमें आप देखेंगे इनके जो गृह मंत्री बनाए गए हैं वो आप देखेंगे जो आपका वैश्विक आतंकवादियों की सूची है उसमें शामिल है, और आप देखेंगे इन पर $50 लाख का इनाम भी रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों को जब अपनी सरकार में हिस्सेदारी दी जा रही है तो क्या स्थिति रहेगी अफगानिस्तान में, ये कहना अभी मुश्किल है। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है, ये तो तभी देख पाएंगे। वैसे भी आप सोच लीजिए तालिबान किसी आतंकवादी से कम थोड़ी है, क्योंकि आप देखिए इनके नियम कानून अलग ही हैं। आप देखिए महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, या आप सोचिए कि शिक्षा मतलब स्कूल नहीं जा सकती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं, डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, तो आप सकते ये समझ सकते हैं एक तरह अभी साफ है एक तरह से महिलाओं के लिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया भर इस पर चिंता भी व्यक्त कर रहा है। तो यहां से आप देखिए ये हमारे प्यारा भारत, और इससे आप देखेंगे तो ये हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। अब इसका एक नया नाम और रखा गया है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और आप देखेंगे आप लोग कि शरिया कानून लागू होगा, और शरिया कानून आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को कितनी छूट देता है ये दुनिया जानती है। और आपको बता दूं कि इससे अगर हम लगे हुए देशों की बात करें तो एक तो आप देखेंगे भारत की सीमा, हमारी जो लद्दाख वाला क्षेत्र है जो आप देखते हैं पाकिस्तान के कब्जे में है, इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। उसके बाद आप देखिए तो चाइना हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की आईएसआई जो चीफ थे उन्होंने अफगानिस्तान में विजिट भी की हुई थी, और उसी के बाद आप देखेंगे ये सरकार का गठन हुआ है। तो हमारे लिए आप देखिए कि काफी चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग तीन तरफ से घिर चुके हैं। और एक और बात है, क्योंकि हम लोगों ने कई परियोजनाओं पर काम भी किया हुआ है अफगानिस्तान में, और तालिबान का झुकाव आप देखते हैं आतंकवाद हो या फिर पाकिस्तान हो इनकी तरफ रहता है। और आप देखिए कि अभी पाकिस्तान और चाइना किस तरह से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद आप देखें तो ऊपर आप तजाकिस्तान देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कजाकिस्तान, और उसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद ईरान। और एक तरह से जो नई सरकार का गठन किया गया है वो ईरान की तर्ज पर किया गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इसका कोई चुनाव तो हुआ ही नहीं है, चुनाव कहाँ से हुआ है, तो ये भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको बता दूं तो तालिबान नेता है और ये अफगान सरकार में कौन सा पद मिला हुआ है, वो है मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। आप सोचिए यहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे देश में आप देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सरकार का गठन होता है, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए या फिर आपका राज्यसभा सदस्य के जरिए ही प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ राजाओं जैसा हाल है, राजतंत्र कि आप देखिए किसी को उठा के आप लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जनता उसके के पक्ष में है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है। तो मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद ये प्रधानमंत्री होंगे यानी कि पीएम होंगे, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये उप प्रधानमंत्री होंगे, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ये उप प्रधानमंत्री होंगे, मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ये आपके रक्षा मंत्री होंगे, मुल्ला सराजुद्दीन हक्कानी ये आपके आंतरिक मंत्री होंगे यानी कि एक तरह से आप गृह मंत्री कह सकते हैं, अमीर खान मुत्ताकी ये आपके विदेश मंत्री होंगे, मुल्ला हिदायतुल्ला ये वित्त मंत्री होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, शेख मौलवी नूरुल्ला मुनीर
ए आपकी एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री होंगे, मुल्ला खैरुल्ला खैरख्वा ये सूचना और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री होंगे, कारी दीन मोहम्मद हनीफ ये आपके अर्थव्यवस्था मंत्रालय के मंत्री होंगे, उसके बाद आप देखेंगे मौलवी नूर मोहम्मद साकिब हज और औकाफी के मंत्री होंगे, और मौलवी अब्दुल हकीम सरिया ये आप देखेंगे न्याय मंत्री होंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानून मंत्री होंगे या न्याय मंत्री होंगे, नूरुल्ला नूरी ये सीमा और जनजातीय मामलों के मंत्री होंगे, यूनुप अंखुंद ज्यादा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री होंगे, शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानिक जई ये आपके उपविदेश मंत्री होंगे, मौलवी नूर जलाल ये आपके आंतरिक उपमंत्री होंगे, जबीहुल्ला मुजाहिद ये आपके उप सूचना और संस्कृति मंत्री होंगे, मुल्ला ताजमीर जावद ये खुफिया के पहले उप प्रमुख होंगे, मुल्ला रहमतुल्ला नजीब ये आपके खुफिया उप प्रमुख होंगे, मुल्ला अब्दुल हक ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में आंतरिक उप मंत्री होंगे, और आपको बता दूं कि अफीम हो इस तरह का ड्रग्स का मामला हो इसकी सबसे ज़्यादा तस्करी या अवैध व्यापार अफगानिस्तान में ही देखने को मिलेगा, और तालिबानों की सबसे बड़ी आय का एक स्रोत ये भी है। अब्दुल हक वासिक ये खुफिया महानिदेशक होंगे, हाजी मोहम्मद पता ये आपके अफगानिस्तान बैंक के मंत्री होंगे यानी कि हेड होंगे, तो इसमें आपने देखा है कि कोई महिला नहीं है, और मुझे लगता है कि तालिबान पर वही कहावत एक बड़ी सूट करती है। आपने देखा है कि हमारे देश में एक कहावत बड़ी चर्चित है कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और 12 साल बाद निकाली तो उस टेढ़ी की टेढ़ी निकली। आप सभी जानते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली, तो आप समझिए कि 20 साल हो या 50 साल हो गए हों, तालिबान अपनी वही पुरानी स्थिति में है, उसने कोई सुधार नहीं किया हुआ है। कई तरह की आपने देखा एक तस्वीर भी वहां से निकल के आई हुई है कि जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रही थी महिलाएं, उन पर किस तरह से पितावड़ना की गई या उनके साथ किस तरह की मारपीट की गई, या फिर आप लोगों ने स्कूल की तस्वीरें भी देखी होंगी, पत्रकारों की भी तस्वीरें देखी होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान में कुछ नहीं बदला हुआ है, और जिसे लगता है कि बदल चुका है तो आने वाले समय में और भी उसके सामने तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा देश भी बात कर रहा है, हम भी संबंध बनाने की बात हो रही है, क्योंकि अब कुछ भी हो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, अब हमें रिश्ते तो बनाने ही होंगे, किस तरह से रिश्ते बनाते हैं ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और याद रखिए कट्टरवादी सोच का जो इस्लामिक संगठन है, और इसीलिए तो कहता हूँ कि इस तरह के कट्टरवादी संगठन जो भी होते हैं किसी भी धर्म के, उन्हें कभी भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि जिन लोगों ने बढ़ावा दिया वो भी इसका भुगतान कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और जो बड़े लोग हैं वो तो छोड़ के चले ही गए। सबसे पहले आपने देखा है कि राष्ट्रपति वहां से भाग चुके थे, तो लोग क्या करते। चलिए इनकी स्थिति को देखते रहिए, हो सकता है कि अफगानिस्तान से आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, क्योंकि आप सभी लोग पूछते भी थे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल कवर कर रहे थे, उसमें सभी देशों के बारे में जान रहे थे, उनकी अवस्थिति देख रहे थे, तो उस समय कई लोगों के मन में सवाल थे कि सभी देशों के बारे में जानकारी इकट्ठी रख पाना मुश्किल है, तो याद रखिए ये सबके लिए मुश्किल रहता है। और आप सभी देखेंगे आपकी परीक्षाओं में वही क्वेश्चंस उसी देश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो करेंट में काफी चर्चा में देश रहा हो, अमेरिका हो गया, अभी आपने देखा है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति भी बने हुए थे, तो इस तरह के जो भी देश चर्चा में रहते हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख लिया करिएगा कि इससे लगे हुए कौन कौन से देश हैं, ठीक है।